Hello students, welcome at www.quantapti.com. In the electromagnetic induction series, our next topic is numericals on the induced parameters and some remembering points, key factor points are here. So key points to remember, अभी हमने इससे पहले induced parameters पढ़े थे. What does induced parameter means? Induced current I, induced charge dQ, एंड हीट और इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड EMF. ये हमने चार चीज़ें पढ़ी थी. तो इनका जो कंक्लूजन है वो क्या होगा? द कंक्लूजन ऑफ द फोर इंड्यूस पैरामीटर इज दैट इंड्यूस करंट. रिमेंबर इंड्यूस करंट का फॉर्मूला क्या था? एनीवन रिमेंबर दैट? 1/r d∅/dt. नाउ टेल मी दैट इंड्यूस करंट ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कॉइल. कॉइल की नेचर पर डिपेंड करता है इंड्यूस करंट और सर्किट की नेचर पर डिपेंड करता है. लाइक कौन सा फैक्टर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस? कि हमारे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, हमारा नेचर कॉइल की कैसी है. कि अगर वो जो मटेरियल से बनी हुई है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला मटेरियल है तो करंट उसमें से जो फ्लो होगी वो कम फ्लो होगी. अगर उसका रेजिस्टेंस कम है तो जो करंट फ्लो होगी वो ज़्यादा फ्लो होगी. So it is depend upon the nature of the coil. Okay. Second one, remember that induced EMF may be exist in open circuit. क्या मतलब हुआ इसका? Obvious कि अगर हम ये NS एक बार coil को लेके जा रहे हैं, बार magnet को लेके जा रहे हैं coil के पास, तो ये एक open circuit है coil का, तो इसमें induced EMF जरूर होगा. EMF इंड्यूस होगा इसमें, ओपन सर्किट है ये. बट देयर इज नो इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज इन ओपन सर्किट. यहाँ पे करंट नहीं हो सकता है. करंट किस केस में होगा? अगर मैं इस कॉइल को एक सर्किट से कनेक्ट कर दूँ तो यहाँ पे लिख देते हैं बट देयर इज नो इंड्यूस्ड करंट और चार्ज इन ओपन सर्किट. ओके, सो थर्ड वन इज इंड्यूस चार्ज कब होगा सर्किट में? अगर आप उस चीज को एक इंड्यूस चार्ज कब फ्लो होगा? अगर आपका सर्किट क्या होगा? क्लोज सर्किट होगा. SI यूनिट क्या होती है? फाई की. यस, कूलम ओम. कूलम ओम SI यूनिट कैसे हुई है फाई की? From the definition of current, we know that I is equal to 1/r d∅/dt. तो यहाँ से अगर मैं phi की वैल्यू निकालना चाहूँगा d∅ is equal to तो IR dt. तो I क्या होता है हमारा? C. R क्या होगा हमारा? ओम. और ये टाइम सेकेंड. तो I को मैं ये लिख सकता हूँ dQ/dt. तो मैंने I को लिखा dQ/dt r dt. dt से dt कैंसिल, dQ r आ गया. आप देन फाई की जो चार्ज है, चार्ज को क्या लिख सकता हूँ मैं? कूलम. ये एम्पियर है यहाँ पे. चार्ज को कूलम एंड ओम. कूलम ओम इसकी SI यूनिट हो गई. कितनी SI यूनिट हुई? इससे पहले हमने एक SI यूनिट फाइंड की थी. सबसे पहले वो क्या थी? टेस्ला मीटर स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद क्या थी हमारी? वेबर. उसके बाद हमारी क्या थी? एक और जो E से आई, जो हमारी E इज इक्वल टू d∅/dt होता है, उससे E क्या होता है? वोल्ट सेकेंड. सो रिमेंबर 1, 2, 3 एंड 4 ऐसा यूनिट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई. ठीक है, सो चेक द क्वेश्चन. द एंड्स ऑफ अ सर्च कॉइल हैविंग 20 टर्न्स. ठीक है, 20 टर्न्स है. इट मीन्स क्या गिवन है आपको? यस, N गिवन है. N इज इक्वल टू 20 टर्न. ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 cm². तो एरिया भी गिवन है आपको 1 cm². रेजिस्टेंस गिवन है 2 ओम. जो जो गिवन है आप वो लिख सकते हो. कनेक्टेड टू अ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 40 ओम. सो रेजिस्टेंस अभी जो 2 ओम है वो किसका गिवन है हमें यहाँ पे? यस, 2 ओम रेजिस्टेंस जो है वो कॉइल का है.
क्लियर। और जो 40 ओम जो रेजिस्टेंस है हमारा वो किसका है, यस गैल्वेनोमीटर का। तो R2 40 ओम। इफ द प्लेन ऑफ सर्च कॉइल इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ऑफ इंटेंसिटी 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है B इज इक्वल टू 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। न कॉइल इज क्विकली पुल्ड आउट ऑफ द फील्ड टू अ रीजन टू जीरो मैग्नेटिक फील्ड। इस फील्ड से कॉइल को निकाल लिया और ऐसी फील्ड में लेके चले गए जहाँ पे जीरो मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ कैलकुलेट द चार्ज पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, क्यू फाइंड करना है। सो ट्राई इट योर सेल्फ, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं है देन नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें डिस्कस कर सकते हो आप। अदरवाइज राइट अस एट ftpquant@gmail.com फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको सारे कंसेप्ट पता है इसमें, जस्ट अप्लाई द कंसेप्ट एंड फाइंड द आंसर क्विकली। नाउ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ क्लोजली बाउंड कॉइल हैविंग 40 टर्न्स इन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एन इजिकल टू क्या गिवन है यहाँ पे, 40 टर्न्स, एंड बी इज इक्वल टू 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, बी गिवन है। ओके एरिया कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे तो मीटर स्क्वायर। एंड आर कितना गिवन है हमें, द क्रॉस सेक्शन इज अ क्लोजली बाउंड कॉइल हैविंग 40 टर्न इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस इज 16 ओम। द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 24 ओम। कैलकुलेट द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन द कॉइल इज पुल्ड क्विकली आउट ऑफ द रीजन वेयर फील्ड इज 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर टू अ रीजन टू जीरो मैग्नेटिक फील्ड। ओके इससे पहले जो क्वेश्चन था डिट्टो वही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, आप वो आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो इसमें क्या है, लाइक इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है अपने को, ये बोल रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू है 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसमें आपकी एक कॉइल रखी हुई है, ठीक है। अब इस कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है हमें, इस कॉइल का एरिया हमें गिवन है, इस कॉइल का एक रजिस्टेंस हमें गिवन है, कॉइल का जो है वो है शायद 16 ओम, और इससे जो गैल्वेनोमीटर अटैच है जी, और गैल्वेनोमीटर का जो रजिस्टेंस है वो है 40 ओम। अब हमें क्या करना है, हमें क्विकली इसे यहाँ से निकाल के और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करना है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो, जीरो मैग्नेटिक फील्ड हो। तो उस केस में हमें फाइंड करना है कि चार्ज कितना होगा इसको, कॉइल को इस 2.5 मैग्नेटिक फील्ड से पुल करके जीरो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करना है, तो वहाँ पे उसमें चार्ज कितना होगा हमें ये फाइंड करना है। तो याद रखना कि कभी भी अगर कॉइल का जो रेजिस्टेंस गिवन है और उसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच है उसका रेजिस्टेंस गिवन है, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हम कंसीडर करेंगे वो कितना होगा, 16 प्लस 24, उन दोनों का सम, देन 40 ओम्स होगा उसका। देन वी कैन से दैट द चार्ज फ्लो, द चार्ज फ्लो थ्रू सर्किट, द चार्ज फ्लो थ्रू सर्किट इज गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन आर। सो एन इज 40, बी इज 2.5, ए इज 2.0 इंटू 10^-4 अपॉन 40। सो द आंसर विल बी 5 × 10^-4 कूलम। ये किस तरीके से है पता है आपको, वी नो दैट आई इज इक्वल टू 1/r d∅/dt। ओके नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आई इज इक्वल टू dq/dt इज इक्वल टू 1/r d∅/dt, dt से dt कैंसिल, q इज इक्वल टू 1/r फाइव, फाइव क्या होता है, यस बी डॉट ए अपॉन आर, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन बी ए अपॉन आर, इस तरीके से। सो सॉल्व द क्वेश्चन एंड सर्च मोर क्वेश्चन एंड मोर सैम्पल पेपर्स एट quantfp.com। If you have any problem, any queries in questions, in topics, then write us at ftquant@gmail.com. All the best for your exams. Thank you.